दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, दोस्तों क्या आपको पता है कि भोजपुरी सिनेमा का पिता किन्हें कहा जाता है? वेल आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा का पिता नाजीर हुसैन जी को कहा जाता है। दोस्तों नाजीर हुसैन बॉलीवुड में 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई वो की स्टोरी नाजीर हुसैन जी ने ही लिखा था और इसी वजह से उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के शुरुआती समय में नाजीर हुसैन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम किया, जिसकी वजह से इन्हें इस इंडस्ट्री का पिता कहा जाता है। नंबर टू, दोस्तों आपको पता ही है कि मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जाने माने एक्टर रहे हैं। इसके साथ ही मनोज तिवारी की सिंगिंग भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। फिर दोस्तों आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने न सिर्फ सिंगिंग और एक्टिंग में काम किया है बल्कि एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी वो काम कर चुके हैं। दोस्तों उन्होंने बॉलीवुड मूवी ग्लोबल बाबा, हेलो डार्लिंग, पी से प्यार एफ से फरार, इन फिल्मों को मनोज तिवारी ने ही डायरेक्ट किया है। और दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल की मूवी घायल वंस अगेन में उन्होंने एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया है। इसके साथ ही आपको ये तो पता ही होगा कि फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर और बॉलीवुड मूवी फैन में मनोज तिवारी ने एज ए सिंगर काम किया था। और दोस्तों उनका गाना जिया हो बिहार के लाला लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। नंबर तीन, दोस्तों क्या आप प्रभाकर शरण को जानते हैं? विल शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में ही पले बड़े प्रभाकर बॉलीवुड में काम करना चाहते थे लेकिन बॉलीवुड में उन्हें कभी भी काम नहीं मिला और दोस्तों इसी वजह से वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने कई सारे काम किए। इसके बाद उन्हें एक हॉलीवुड मूवी इन रेडाडो में काम करने का मौका मिला और दोस्तों प्रभाकर ने एज ए लीड रोल एक्टर इस फिल्म में काम किया। आपको पता ही होगा हॉलीवुड में काम करना कितनी बड़ी बात है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रभाकर की इस फिल्म को इंडिया में भी रिलीज किया गया था और इस फिल्म का नाम रखा गया था एक चोर दो मस्तीखोर। दोस्तों क्या आपको पता है कि पहली ब्लॉकबस्टर भोजपुरी मूवी कौन सी थी? दोस्तों पहली भोजपुरी ब्लॉकबस्टर मूवी थी नदिया के पार, जिसमें लीड रोल में थे सचिन और शारदा। और दोस्तों इस फिल्म का गाना कौन दिशा में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जो कि आज भी सुना जाता है। नंबर पाँच, दोस्तों क्या आपको पता है कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा भी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं? दोस्तों गोविंदा ने भोजपुरी फिल्म हल्फा मचा के गई में एक सॉन्ग में काम किया था लेकिन किसी वजह से इस फिल्म में उस सॉन्ग को हटा दिया गया, जिसका रीज़न अभी तक क्लियर नहीं है। वेल आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।